हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये डे थ्री है, डे थ्री हमारा पचमढ़ी ट्रिप का। आज हमने जाने वाले हैं धूप, सॉरी इट्स अ चौरागढ़। चौरागढ़ और महादेव के मंदिर कल हम लोगों ने जिप्सी वाले से पहले ही प्री बुकिंग कर ली थी और अब हम जाएंगे आज फिर से, तो सभी चीज़ आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम जा रहे हैं अभी कुछ ब्रेकफास्ट करने, तो वहीं से हमारी जिप्सी भी हमें पिकअप करेगी क्योंकि हम लोग गए थे बेटा बावर्चे, वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड कई लोगों ने तुम्हारे भाई की तारीफ भी की कि आपकी बॉडी बहुत अच्छी है। तो सब लोग ऑल सेट हैं, अपना बैग रेडी कर लिया है और इट्स मॉर्निंग 10:23। अब चलते हैं हम, और अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, और मे बी ये लास्ट व्लॉग हो सकता है पचमढ़ी ट्रिप का। तो चलती है और दिखाते हैं आपको। चलिए, तो आज ब्रेकफास्ट में है इडली सांभर, कलम ने काफ़ी सारी चीज़ें ली थी, तो ये दोनों हो गए तैयार। तो सुबह से इसमें सबसे ज़्यादा लगाया है टाइम तैयार होने में, इसमें बिल्कुल नहीं लगाया टाइम। और मैं तो एज ऑलवेज सबसे पहले चाय चाय पे चर्चा हमारी हो रही है। यहाँ पे ठंडी के नाम पे सिर्फ प्रोडक्ट ठंडा है बस। हम आए हैं हांडी खो और ये हमारे दोस्त। फाइनली द ट्रिप बिगिंस। आज का द थर्ड डे हमारा स्टार्ट हो चुका है, द वेरी फर्स्ट साइट हम यहाँ पे आ चुके हैं। हांडी खो इज बेसिकली सुसाइड पॉइंट है। जिप्सी के बारे में बताऊं, बहुत शानदार जिप्सी है। अगर आप लोग पचमढ़ी आने का प्लान कर रहे हैं तो एक चीज़ आपको नहीं भूलनी चाहिए कि जो आपकी गाड़ी चला रहे हैं वो आपका सपोर्ट करें। तो भैया ने मुझे डे वन से बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच भैया। एंड मैं नीचे भैया का डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूँगा एंड प्रॉपर सब कुछ लिख दूँगा, भैया का नाम, भैया का एड्रेस। एंड भैया आपको प्रॉपर पिपरिया से पिक कर लोगे ना भैया, कोई प्रॉपर आप पिपरिया रेलवे स्टेशन पे आओगे, नंबर पे कॉल कर दोगे, वहाँ भैया आपको लेने आएंगे, होटल ड्रॉप कर देंगे, फिर पूरा आपको घुमा देंगे, आपको कोई अदर चार्जेस वगैरह पे नहीं करना पड़ेगा। एक और कुंड है यहाँ पूरे में पचमढ़ी में। चीज़ है कि आप हर जगह नेचर ब्यूटी को बहुत अच्छे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इट्स टाइम टू नींबू पानी, सम इलेक्ट्रोलाइट। अब क्योंकि हमको करना है चौरागढ़ की ट्रैकिंग, वहाँ 1500 के अराउंड सीढ़ियाँ हैं तो हमको चढ़ना है। भैया बना रहे नींबू पानी, बढ़िया पानी। हम अब जा रहे हैं गाइस चौरागढ़ की ट्रैकिंग पे, ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है। बट आई वॉज थिंकिंग कि यहाँ पे गुप्त महादेव तो भी पड़ता है बीच में, हम वहाँ तो देखेंगे जाएंगे या नहीं। वो हमारे जिप्सी वाले जो भैया थे वो मुझसे बोले थे कि हाय, तो महादेव मंदिर के लिए लाइन है, तो लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी है। गुप्त नाग,
गाइज यहाँ पे हमारा आधा रास्ता हो चुका है। मैंने अपनी वॉच को ऐसे शो कर दिया था कि आप मेरे को ये क्लाइंबिंग पे, तो अभी हमारा 0.50 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। हमको जाना है सामने पहाड़ पे, दिखाते हैं आप। और ये सामने हमको जाना है 1 किलोमीटर। भैया कितना आ गए हम नीचे से? 1.5 किलोमीटर हम आ चुके हैं। इनने हमको एक ग्लास बढ़िया नींबू पानी पिलाया है। अब यहाँ से होगी हमारी स्टेयर्स स्टार्ट और आगढ़ मार्ग यहाँ से स्टार्ट होगा। ग्रेट स्टेयर्स अब स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हम कच्चे रास्ते और कुछ सीढ़ियों के थ्रू आए थे, अब हमको पूरी सीढ़ियाँ चढ़नी है यहाँ से। हम ऑल सेट रेडी टू गो। सीता नहानी गुफा रास्ते में हमको पड़ी है। श्री राम जी घूमते घूमते आए हो तो पांडव जी तो आए थे पास में। चौरागढ़ अगर आप आते हो मेक श्योर वाटर बॉटल्स लेके आना और कुछ भी। हाय, मेरी बहन अगर ये व्लॉग देख रही है जो कि भोपाल में रहती है तो सच बोला था उसने भाई, चौरागढ़ मजाक नहीं है। ये देखिए गाइस, ये हमारा वाला क्लाइंब है माउंटेन। वो मंदिर भी दिखा दो। यहाँ से हम जाएंगे इस पहाड़ से उस वाले पहाड़ पे, और वहाँ जो टॉप पे अगर आप देख पा रहे होंगे, मैं जूम किए देता हूँ, वहाँ हमारा डेस्टिनेशन है। देखिए गाइस यहाँ जाना है हमको। You can see पीछे का व्यू। चलिए आपको एक मस्त व्यू दिखाता हूँ गाइस। काफी ऊपर है गाइस हम लोग पहाड़ की पीक, पहाड़ों के ऊपर। तो ट्रैकिंग में हम पहुंच चुके हैं फाइनली, और ये था मंदिर जो मैंने आपसे तो दिखा चुका हूँ। डेस्टिनेशन में गाइस, हम लोग चौरागढ़ ट्रैकिंग से अब लौट चुके हैं फाइनल। अब गुप्तेश्वर महादेव मंदिर हमको मिलने वाले हैं। हमको एग्जैक्ट टाइम मैं आपको बताऊं तो मेरे को लगा है 3:35। मैंने अपनी वॉच में सेट कर लिया था, और चैलेंजिंग टास्क है नो डाउट। अगर आपके साथ कोई ऐसे हैं जो ज़्यादा नहीं ट्रैवल कर सकते तो आप उनको ना ले जाएं, मेरा ये सजेशन रहेगा। और सेकेंड चीज़, आप अपने साथ इस टाइप की एक लकड़ी ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि ये आपको स्टेबल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर नहीं है आप फिजिकली फिट तो ये आपके लिए एक चैलेंजिंग चीज़ होनी चाहिए। हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि हमारे साथ हमारी फिटनेस मैम भी हैं जो कि बिल्कुल थकी नहीं, आराम से चलती आ रही है पूरी ट्रैकिंग हमारे साथ करी है। एंड शी इज़ सो हैप्पी। हाँ,
स्पेशल थैंक्स टू जिप्सी वाले भैया जिन्होंने हमको ये डंडे दिए। लोग हमसे बोल रहे थे अरे इनकी बॉडी अच्छी है, इनको देखो भाई ये भी थक रहे हैं, बट हम लोग अपना डंडा लेके चल रहे थे और बहुत एक अलग एक्सपीरियंस था। मैंने ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ फोटो वीडियो लेना मना था बट फिर भी ऑडियंस के लिए हमने लिया है। तो होप आप सभी लोगों को व्लॉग एंजॉय कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो भी प्लेस होगा तो हम चलते हैं और आपको बताते हैं कि हम कहाँ जाने वाले हैं, आगे जाने वाले हैं आगे। जी हम व्लॉग बनाते हैं। हाय से हाय। आप लोग कहाँ जा रहे हो? नागपुर। ओके नागपुर। यहाँ से दर्शन के बाद स्पॉट देखने के बाद फिर नागपुर की तरफ प्रस्थान करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। पचमढ़ी मुझे बेसिकली बहुत अच्छा लगा एंड आप दोनों को अच्छा लगा। क्या नाम है आप लोगों का? ओ वाओ, हाय बोल दो। अच्छा हाय, सब लोग आपको देखेंगे पचमढ़ी व्लॉग्स में। ओके हमारे डॉटर का भी, इसका भी जी क्या यूट्यूब में, ये दोनों का भी चैनल है। ओके किस नाम से है? शशांक रघाटाप्रिय मेरे नाम से। ओके आप तुम्हारे डोसा को देख के एक चीज याद आई, करवटें बदलती रही डोसे की। हम वही ढूंढ रहे जाओ चम्मच कहाँ गए। हम चौरागढ़ की ट्रैकिंग से अब वापस आ चुके थे कुछ देर पहले। हमने थोड़ा फ्रेश वगैरह हुए होटल में, हमने अपना मस्त, अब हमारा भाई सामान उठा रहा है। ब्रो हाय, फाइनली हम जा रहे हैं खाना खाने। बहुत ही अब हम जा रहे हैं बेसिकली पचमढ़ी की नाइट लाइफ देखने। पचमढ़ी चौपाटी जा रहे हैं, यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। देखिए हम हैं एक आयुर्वेदिक शॉप में जो कि पचमढ़ी में है और यहाँ पे हमको बताया जा रहा है कि कौन कौन से ऑयल्स हैं जो बेसिकली आपके लिए वर्क करेंगे। एडिशनल 3 महीने कोर्स में मनी बैक गारंटी देते हैं। ये होता है सर पहाड़ों का पसीना, तो इसको आपको एक चावल के दाने के बराबर लेना होता है रात में सोने से पहले। गाइस एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूँ आपको जो हमको मिली है आज। ये है फॉरेस्ट जंगल ऑयल, गार्लिक ऑयल, सॉरी फॉरेस्ट गार्लिक ऑयल। मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली। इसको स्मेल करने के बाद मेरी हालत जो थी, मेरा सर से लेके नाक और सब कुछ मेरा खोल के रख दिया इसने। भाई मिले, भाई ने मेरा चैनल को किया सब्सक्राइब, तो थैंक यू सो मच। क्या है भैया एक बार प्लीज? फेस वॉश, सिंपल। ओह माय गॉड, स्मेल इट। ओके ओ ये होता है सर फेस पैक, इसको दूध या दही में पेस्ट बना के चेहरे पे अप्लाई करना है, सूखने का दाम को धो लेना सर, नेचुरल है। इसको भी आज नाइट में ला के देखना, पसंद नहीं आता कल रिटर्न कर सकते। फेस पैक, फेस वॉश। So, ये है आपका एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर आप कॉल करके अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। चलिए तब थोड़ा सा कुछ खाने चलते हैं अपन। मोमोज, सिजलिंग ब्राउनी। ये नॉर्मल पानी की वजह से नहीं है, ये जस्ट ओस की वजह से है। अभी रात के 10 भी नहीं बजे। हाँ अभी रात का टाइमिंग है, इट्स 9:58, 2 मिनट कम 10, ठीक है। ये देखिए गाइस अब हम खा रहे हैं यहाँ पे मोमोज, और ये क्या हुआ एक्चुअली खा लिया हमने थोड़ा सा, बट हमको वीडियो में दिखाना था। इस इंसान को सबसे पहले खाने होते हैं मोमोज, तो अब हमने वापस जमाए हुए हैं। 10:34 एंड हम वापस उसी जगह पे आ गए काम कल थे। यहाँ पे चल रही है मस्त दूध वाली पार्टी। ये है कौन सा वाला दूध बोलेंगे इसको, केसर दूध, केसर दूध। यहाँ पे एंड ऑफ द डे आज यहाँ पे एंड कर रहे हैं दूध से, मतलब दूध पीने के बाद आज दिन भर का ब्लॉग हम एंड करने जा रहे हैं यहाँ से। और मेरे पास है अमूल कूल,
मैं यही वाला पीने के चक्कर में हूँ। अभी रात के हो गए हैं 11:52, तो 11:52 पे हम अपने व्लॉग को करेंगे एंड, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं अपने रूम पे और हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं एंड कल सुबह हमारी ट्रेन है तो हम वापस सागर के लिए निकलेंगे। अगर कुछ इंटरेस्टिंग हमको दिख गया तो हम डे 4 ज़रूर शूट करेंगे, बट नहीं मिला तो पचमढ़ी व्लॉग यहीं तक रहेगा, ये लास्ट होगा डे 3। अगर आपको ये पूरे व्लॉग्स पसंद आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। बाकी के 2 व्लॉग अगर आपने नहीं देखे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड मैं जो सफारी वाले भैया थे उनका भी कॉन्टैक्ट नीचे डाल दिया हुआ है। और भी आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ ज़्यादा महंगा नहीं है पचमढ़ी आप लोगों के लिए। बताएं कि अगर आप लोग ग्रुप में आते हैं और ऑफ सीज़न में आते हैं तो आपको चार्ज कम पड़ेगा, हम लोग ऑन सीज़न में आए तो हमको काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ा हर चीज़ का। तो जो ट्रिप शायद 5 या 6 हज़ार में हो सकती थी हमको 10 to 15,000 पर पर्सन पड़ी है। तो आप लोग आए तो मेक श्योर कि आप होटल अच्छी करें, जैसे मैंने राजविहार की तो आप भी वही कर सकते हैं, बट काफ़ी सारे रिसोर्ट भी ऑफ सीज़न में आपको अच्छे मिल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ, बाय बाय बाय।